नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का सवाल है क्वेश्चन सेज द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन अ आई डी एस सी सेटअप इज आई नॉट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज छोटा डी जो होता है उसकी वैल्यू दे रखी है हम अपने को फाइव लैमडा वे लैमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट सवाल है वॉट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन द स्क्रीन प्लेज एट अ डिस्टेंस डी इज इक्वल टू कैपिटल डी इज इक्वल टू टेन डी और हमें ऑप्शन दे रखे हैं थ्री बाय फोर आई नॉट आई नॉट बाई टू आई नॉट या आई नॉट बाई फोर अच्छा सवाल आसान है पर यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं जो अक्सर क्लास में बात होती है कि सवाल में से पूछ के आ रहा है हमें तो ये समझ नहीं आया पहले तो सवाल समझते हैं फिर से करना कैसे तो समझते हैं सवाल मुश्किल नहीं है लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूलों से भी नहीं होएगा बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं अक्सर कुछ स्टूडेंट्स uh, सिर्फ इस बात पर फोकस रखते हैं कि फॉर्मूला बता दो सवाल वो हो जाएगा हमसे फार्मूला बता दो सवाल हो जाएगा सो so, ये सवाल इज़ एन एग्ज़ाम्पल फॉर कि सिर्फ फॉमूले तो आने ही चाहिए बट सिर्फ फार्मूले से नहीं होएगा हालांकि तो सवाल को समझते हैं तो सिचुएशन ये है कि ये आपका वाईडीए सी सेटअप कि यहाँ पर आपकी एक स्लेट है एस टू यहाँ पे आपकी स्लेट है एस वन और यहाँ पर जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है उसकी इंटेंसिटी इन्होंने आई नॉट दी है हालांकि सो लेटेस्ट से यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी इसकी आई वन इसकी इंटेंसिटी आई है इसकी भी इंटेंसिटी आई है तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सवाल में अपने को आई नॉट दिए अपने को ये बात पता है कि अगर इन दोनों की इंटेंसिटी आई है तो सेंट्रल मैक्सिमा पे आपकी इंटेंसिटी फोर आई हो फोर आई होएगी विच एम्प्लाइज आपकी आई की वैल्यू हो गई आई नॉट बाय फोर यानी कि इस इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमा के टर्म में आप लिख सकते हैं आई नॉट बाय फोर नाउ अब इस सवाल में हमसे पूछा है कि हमें बताना है उस लोकेशन पर वैल्यू uh, क्या होगी आपकी इंटेंसिटी की जो इस स्लिट के बिल्कुल जस्ट सामने है यहाँ पे यह आपकी लोकेशन है इस लोकेशन को आप वाई इजिकल टू डी बाई टू कह सकते हैं अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है और ये वाला डिस्टेंस आपका कैपिटल डी है तो हमें बताना है इंटेंसिटी एट द लोकेशन वाई इजिकल टू डी बाई टू तो इस डी बाई टू पर लोकेशन बतानी है ऑलराइट सो यहाँ पे अगर हम जो डेटा दे रखा है उसको लिख लें तो आ, अपने को छोटा डी जो है वो लैमडा की टर्म में दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू फाइव लैमडा एंड कैपिटल डी की वैल्यू अपने को टेन डी यहाँ पर दी हुई है इस जगह पर अपने को आ, बताना इंटेंसिटी क्या होगी नाउ इस जगह पर अगर देखेंगे तो यहाँ मान लीजिए ये आपका एंगल थीटा है तो इस थीटा पे जाके हम ये कह सकते हैं कि आपके जो टेन थीटा की वैल्यू होगी टेन थीटा इस टेन थीटा की वैल्यू होगी वो है वाई ये वाली जो आपकी वैल्यू है डिवाइडेड बाय डी और इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल डी बाई टू डिवाइड बाई कैपिटल d और यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रख दें d बाय टू और नीचे आपका जो d है Uh, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी uh, ये आ जाएगी ये हो गया कैपिटल डी डिवाइड डिड डी तो वन बाई ट्वेंटी हो गया ये सो so, ये आपकी टेन uh, थीटा की वैल्यू आ गई नाउ इस लोकेशन पे अगर हम बात करें कि आपका पाथ डिफरेंस क्या होएगा पाथ डिफरेंस आएगा जो वेव ने आपके यहाँ से ट्रैवल किया और यहाँ से यहाँ जो ट्रैवल किया है तो आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स उसको आप लिख सकते हैं डी मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा ना टेन थीटा की वैल्यू वन बाय ट्वेंटी आ, आ रखी है अपने पास और डी को हम फाइव लैमडा लिख सकते हैं यहाँ पे सो दिस विल बी इक्वल टू फाइव लैमडा डिवाइड बाय ट्वेंटी यानी कि हो गया लेमडा बाय फोर अगर ये आपका पाथ डिफरेंस है तो इसके लिए आपका जो फेस डिफ्रेंस हो जाएगा डेल्टा फाइव उसकी वैल्यू हो जाएगी आ, अपने को पार्थ डिफरेंस अगर पता है डेल्टा एक्स है तो फेस डिफरेंस को एक बार फार्मूला रिवाइज करें उसको आप लिख सकते हैं टू पाए बाय लेमडा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स इससे आप डेल्टा फाई की वैल्यू बता सकते हैं सो so, यहाँ जो अपना डेल्टा फाइव आ जाएगा ये होएगा टू पाए बाय लेमडा मल्टीप्लाइड बाय लेमडा बाय फोर यानी कि आपका पार डिफरेंस आ गया लेमडा विल गेट कैंसल टू कैंसल पार डिफरेंस आ गया आपका पाए बाय टू अगर आपका पाथ डिफरेंस पाए बाय टू है उस लोकेशन पे आपकी जो इंटेंसिटी होएगी आई डैश नाव uh, हमें ये बात पता है कि ऐट किस uh, जिस भी हम लोकेशन पे बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की अगर उसका फेस डिफरेंस डेल्टा फाई है तो उस जगह पे इंटेंसिटी से यहाँ कर लेते हैं तो उस जगह पे इंटेंसिटी जो आएगी अपनी उसको हम लिख सकते हैं आई डैश uh, जिस जगह पे अपने को इंटेंसिटी चाहिए उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ़ इसको आप लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू प्लस अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ डेल्टा फाइव नाउ कॉस ऑफ डेल्टा फाइव ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज आपका डेल्टा फाई ना नाइन्टी डिग्री या पाई बाई टू है तो उसका कॉस्ट जीरो हो जाएगा सो so, इसकी वैल्यू होगी गई आई डैश की आई वन प्लस आई टू ये दोनों की वैल्यू हमें पता है ये आई वन आई टू बराबर है सो so, ये हो जाएगा आपका आई नॉट बाई फोर प्लस आई नॉट बाई फोर इसको जब आप ऐड करेंगे तो आई की वैल्यू आ गई आई नॉट बाई टू सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आई नॉट बाई टू वुड बी द राइट आंसर